done? Yes, sir. पीडीएफ खोल लेता हूँ। हो गया जी, स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, बैंगलोर से घुमाए क्वेश्चन आपके स्पेशल। कर दूं? अब देखो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जब ये पैटर्न नहीं था, मतलब तो नॉर्मल जो बोर्ड एग्जाम होते थे, तो पहले वाले पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता था। तो बच्चों को 6 मार्क्स फ्री के बोलते थे, 100 में से 6 पक्का होते, पक्का होते थे बच्चे के। फिर ये 5 मार्क्स में हो चुका है। अब इसकी हालत बहुत ऐसी हो गई है, पागल जैसे। अभी एक नंबर का रह गया बेचारा। अच्छा देखो, देखो इसमें ना क्या क्वेश्चन है आपका, ग्राफ ऑलरेडी बना बनाया है, ठीक है। देखो ये ऐसे बनाते हैं ना, मेरे साथ साथ एक लाइन ऐसे ले जाओ, आप लोग भी ले जाओ। ये वाला पॉइंट है 0 पर, जहां पे लाइन कट कर रही है y एक्सिस। एक लाइन ये ओरिजिन से ले जाओ, पैरेलल ले जानी है इसके, पैरेलल लेके जानी है लाइन, ठीक है। ओरिजिन से गई एक लाइन, एक ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ये पॉइंट है 6 0, 6 12, और ये 6 16, ठीक है। और फिजिबल रीजन ये वाला है, ये फिजिबल रीजन है। आपको बतानी है थ्री एक्स माइनस फोर वाई की मैक्सिमम वैल्यू। बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने तो आपको, ग्राफ बनाना थोड़ी है, फीजिबल रीजन भी दे दिया है, कॉर्नर पॉइंट आपको चारों नजर आ रहे हैं। आपको चारों कॉर्नर पॉइंट एक एक करके इसमें रखने हैं, चार वैल्यू निकालनी है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू वो मुझे आपको बतानी है बस। एक एक करके चारों पॉइंट्स z वाले फंक्शन में पुट कर दो। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, -16 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, मेरे पास ऑप्शन में 0 8 12 और -18 है। जीरो आ रही है मैक्सिमम, बाकी लोग बताएं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। भाई आपने क्या किया, पहले चलो यहां से शुरुआत कर लेते हैं। आपने x को 0 रखा, y को 4 रखा, आंसर हो गया -16। फिर आपने रखा 6 और 16, 6 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, माइनस करो, ये भी हो गया आपका -16, सेम हो गया। फिर आपने रखा 6 12, तो ये 18 हो गया, 18 − 64, कितना हो गया -46। अब आपने रखा 6 12, x को 6 रखा 18 और y को 12 रखा 48, -30 हो गया। और फिर आपका लास्ट पॉइंट है 0 0, इन चारों में
जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम वो तो जीरो आंसर जीरो कुछ है नहीं करने एक टाइप है ये एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो देखो सिक्स को में जीरो है तो थ्री इनटू सिक्स 18 ही ये तो है ही नहीं पॉइंट देखो पॉइंट कौन से ले रहे हैं जो कॉर्नर है इस वाले शेडेड रीजन के बस वही कॉर्नर ले रहे क्वेश्चन इज मिनिमाइज मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक है 13x-15y और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं x+y <= 7 2x-3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको इन इनइक्वालिटीज से या कांस्टेंट्स बोल सकते हैं इनको आप इन कांस्टेंट्स की हेल्प से फटाफट से ग्राफ तैयार करना है उसका कॉमन एरिया शेड करना है और फिर इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे बताना मिनिमम वैल्यू करें पहले तो ग्राफ बनाएं जल्दी से रफली जैसे मैंने बनाया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ जी बना ग्राफ सिंपल है ऐसी पेंसिल बना लो डायरेक्ट क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ग्राफ को चेक तो पड़ेगा नहीं आपका सीधा आंसर ही चेक करना आपको टिक मारना है ऑप्शन पर जी बना कर आप सिद्धार्थ क्या हुआ जी मतलब ग्राफ तो बनेगा ना
एक्स को जीरो लेंगे y सेवन आएगा, y को जीरो लेंगे x सेवन आएगा, ठीक है। ये लाइन सेवन को और सेवन को ज्वाइन करके जाएंगे। ये देखो मेरा रफ ग्राफ है, आपका भी रफ ही होना चाहिए। इसका एरिया किस तरफ लेना है, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन? टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ठीक है, इसका एरिया इधर का लेंगे। अब इसको ड्रॉ करते हैं, x को जीरो पुट करके y निकालो पहले, तो 2 आएगा ना y, तो 2 पे लाइन कट करेगी यहाँ कहीं। और अब जरा y को जीरो पुट करके x निकालो, माइनस 3 इधर कहीं होगा, यहाँ मान लो ये एक रफ स्केच है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ये चली गई, इसका एरिया चेक करके बताओ, ओरिजिन के साइड में लेना है या ओरिजिन से दूर भागेगा? x को 0 रखो, y को 0 रखो, क्या रह गया खाली 6, और 6 0 से बड़ा होता है या नहीं होता है? होता है, तो ओरिजिन की तरफ जाएगा ये। अब एक ऐसा एरिया शेड करो जो इस लाइन के नीचे होगा, इस लाइन के इधर होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये रहा कॉर्नर पॉइंट, फटाफट से लिखो ये वाला कॉर्नर बताओ। 02 ये वाला कॉर्नर दिख ही रहा है, 70 ये वाला कॉर्नर कैसे निकलेगा? इक्वेशन को सॉल्व करके, सॉल्व करके बताओ, दोनों इक्वेशंस को रफ में कहीं सॉल्व कर दो, 3-4 चलो जी 3-4 हो गए। अब आपके पास चार कॉर्नर हो गए, एक 02 हो गया, एक 70 हो गया, एक आपका 3-4 हो गया, और चौथा वाला एक ओरिजिन हो गया। चारों कॉर्नर को एक एक करके यहाँ डालते जाओ, और जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू है वो मुझे बता दो आप, माइनस 30। ओके, और कोई चेक करके बताओ। अब ये चारों कॉर्नर फटाफट से इसमें डालते जाओ, चार आंसर लिख लो अपने, उनमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो आपकी मिनिमम वैल्यू है, माइनस 30। किस पॉइंट पे आइए? 0.2 पे। अच्छा 70 पे कितनी आ रही है? 90 बना रही है, और 3.4 पे आ रही है 39 माइनस 60 माइनस 21, तो सबसे कम हुई इसमें माइनस 30, तो मिनिमम वैल्यू है इसकी माइनस 30। क्लियर? तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको फीजिबल रीजन दिया था और कॉर्नर पॉइंट दिए थे, आपने उठा के कॉर्नर पॉइंट डाल दिए। अब क्या क्वेश्चन था? कांस्टेंट दे लिए, खुद ही बनाओ ये फीजिबल रीजन, हमने खुद बना लिया, उसमें क्या है, क्वेश्चन पहले वाला बन गया, कॉर्नर पॉइंट मिल गया, हमने डाल दिया। अब थर्ड टाइप देखो इसके अंदर, ये क्लियर हो गया सबको, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस 30। अब क्वेश्चन सुन लो, फीजिबल रीजन दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट नहीं दिए हैं, ये वाला कॉमन एरिया शेड हो चुका है, ठीक है, शेड कर दिया इन्होंने जो भी है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, कोई मिनिमम नहीं पूछ रहे आपसे। L1, L2, L3, L3 कौन सी एक्सिस है? खुद एक्स एक्सिस है, और ये L4 y एक्सिस, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स तैयार करने हैं, इक्वेशंस तैयार कर, मतलब कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछ रहा है इस बार, ना कोई कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है। आप जैसे ये एक लाइन ये जा रही है, इसका कांस्टेंट क्या होगा, इसका कांस्टेंट क्या बनेगा, और एक्स और वाई एक्सिस का तो हमको आता है, ये वो लास्ट वाला जो होता है। चलो जी ये ट्राई करो, क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा, कांस्टेंट्स रेडी करके दिखाओ इससे।
2x plus y is less than equal to x. सही बिना निकाले बता दिया 11 ने बिना पेंच में कॉन्स्टेंट्स रेडी करने हैं बहुत आसान है फीजिबल रीजन सामने पड़ा हुआ है नहीं आया चलो मैं आपको बताता हूँ किसी को आया किसी को नहीं आया देखो कॉन्स्टेंट्स रेडी करने के लिए इक्वेशन बनानी होंगी हम पहले L1 लाइन की बात करते हैं चलो L1 लाइन x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है 4 का और y एक्सिस पे कितना कट कर रही है 4 का 11th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ते थे अगर याद हो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इससे बनाएंगे ना इक्वेशन अब a कितना है 4 है x upon 4 b कितना है ये भी 4 है equal to 1 4 को उधर ले जाएंगे और हमको मालूम है कि इस लाइन का वो एरिया लिया जा रहा है जो टुवर्ड्स ओरिजिन है और टुवर्ड्स ओरिजिन है तो ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे सेटिस्फाई का मतलब ये पूरी वैल्यू 4 से कैसी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए तो लेस देन और इक्वल टू आएगा क्या फिर लेस देन क्यों क्योंकि जब आप इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कराओगे तो वो सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन की तरफ का एरिया लेकिन नहीं होगा अगर इस लाइन के उधर का एरिया होता मान लो तो फिर यहाँ पे साइन किसका आता ग्रेटर देन आता बस वो बन गया कॉन्स्टेंट दूसरा बताओ चलो एक्स के डिवाइड में कितना ले लूंगा सेकेंड हाइड्रोजन पे ले रहा एक्स के डिवाइड में 3 आएगा वाई के डिवाइड में 6 आएगा और इक्वल टू 1 आया दो बन गई इक्वेशन अब 6 एलसीएम लेके उसको सामने ले जाओ और बाद में लेस देन ग्रेटर देन जो लगाना है लगा देना क्या बनी इक्वेशन 2x plus y एक ये बन गई एक ये बन गई अब दो और बची हैं ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं है इसका मतलब x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओ जी क्लियर है नहीं सर हाँ दिया बोलो इक्वल टू कौन सी लाइन नहीं ये से पता चलेगा देखो इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं क्योंकि जो एरिया शेड हुआ है अब जो एरिया शेड किया है उसकी बाउंड्री ये है ये उसकी बाउंड्री है और बाउंड्री में हमने देखा लाइन जो है ना ये डार्क है डॉटेड नहीं है डॉटेड कैसे होती है ऐसे अगर आपकी लाइन डॉटेड आती है ना तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा फिर तब सिर्फ आपका लेस देन और ग्रेटर देन आएगा बस तो लेस देन क्यों लगाया हमने डॉटेड सर लेस देन क्यों लगाया कोई क्वेश्चन है दिया बोलो तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन क्यों लगाया लेस देन देखो हम इसलिए लगा रहे हैं इक्वल टू तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारा एरिया ओरिजिन की तरफ आया हुआ है तो ओरिजिन की तरफ अगर एरिया लोगे ना तो आपको ये वैल्यू 4 से छोटी लगती है 0 0 पुट करने पर 4 से छोटा है तो लेस देन लगा रहे हैं इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं क्योंकि इस लाइन का डार्क पोर्शन शेड हुआ हुआ है इस लाइन को पूरा कंप्लीट लिया गया है ये देखो इतना पोर्शन भी लिया है तो इसका मतलब हमें इक्वल टू भी लेके चलना है तो मालूम कौन से पॉइंट हो गए इसके अब यहां से यहां तक सारे पॉइंट जितने लाई करेंगे वो फिर यहां से यहां तक इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने पॉइंट लाई करेंगे वो फिर यहां से यहां तक सारे और ये वाले सारे पॉइंट और इसके अंदर जितने हैं ये सब पॉइंट्स इसके कॉमन सॉल्यूशन इतने सेगमेंट के ऊपर जो आ रहे हैं वो भी इतने सेगमेंट के ऊपर आ रहे हैं जो वो और ये वाले और ये वाले और उसके अलावा अंदर के सारे तो इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं बताना जरा इक्वल टू दे रहे हैं ना क्योंकि लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है डॉटेड नहीं है डार्क है
और लेस देन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट के इधर का एरिया लिया गया, इसमें लेस देन लगा रहे, दो ही रीजन है बस। एक आप ट्राई करो जरा ऐसा, एलपीपी टर्म वन में ही है ना, यस सर, उन्होंने टर्म टू में डाली हुई है, ओसवाल की बुक में, ओसवाल की बुक चाहिए तो दे दो, मतलब पीडीएफ डाल दो आपके ग्रुप में, टर्म वन टर्म टू दोनों की है, प्रैक्टिस कर लो, उसमें से क्या दिक्कत है, मैं डाल दूंगा। नहीं नहीं टर्म वन में चलो एक और करके देखना जरा, हाँ मैन्युफैक्चरर, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम है, हाँ मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग two types of toys, two types of toys using three machines, using three machines, the time used on three machines is given below. ये टाइम आपके मिनट्स में गिवन है, दैट मींस इसको मैं समझाया हूं क्या दिया हुआ है, जो टाइप ए वाला टॉय है या जो भी आइटम है वो जब उसको मशीन वन पे बनाएंगे तो वहां पे उसको लगेंगे 18 मिनट, फिर मशीन वन से निकल के वो चला जाएगा मशीन टू में, वहां पे उसको लगेंगे 6 मिनट, फिर वो वहां से निकल के चला जाएगा मशीन थ्री में, फिनिशिंग वगैरह होगी शायद वहां पे उसकी, वहां उसको लगेंगे 12 मिनट, तो जाके आपका टाइप ए का एक टॉय तैयार हो जाएगा, सिमिलरली टाइप बी के लिए हो जाएगा, राइट। अब आप ध्यान नीचे ले लो, ईच मशीन कैन बी यूज्ड एट मोस्ट 8 आवर्स पर डे, तो तीनों की तीनों मशीन आप दिन में 8 घंटे तक चला सकते हो, 8 घंटे से ऊपर मशीन गर्म होकर बंद हो जाती है, ऐसा मान के चलो। If type A toys be X units, देख लो मैं लिख दूंगा नहीं, If type A toys be X units and type B toys be Y units, then the constraints are, अगर टाइप ए के टॉयज एक्स मान के चले पर डे के और टाइप बी के वाई टॉयज माने कि वाई टॉयज बनते हैं पर डे के, तो इसके कॉन्स्टेंट्स रेडी करके दिखाओ, मतलब इस पर आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स रेडी करके देने हैं, कोई ग्राफ राफ कुछ नहीं। टाइप ए की अगर एक्स टॉयज बनाती है कंपनी और टाइप बी की अगर वाई टॉयज बनाती है तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, बहुत आसान है, देखो बहुत ईजी है, टॉय तो दो ही बनेंगे, कॉन्स्टेंट सी आप देखो कितने बनेंगे, वो आप पता नहीं, मैं ट्राई करो एक बार, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, देखो टाइप ए के एक्स टॉयज बना रही है कंपनी, टाइप बी के वाई टॉयज बना रही है, तो इन टॉयज के हिसाब से मशीन जो टाइमलाइन दे रखा है इसके कॉन्स्टेंट रेडी करके बताने आपको,
थोड़ा सा सोचो कि फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं, मैं क्या बताऊंगा आपको। थोड़ा सा रॉन्ग, अब देख लो क्या रॉन्ग बनाया आपने। ठीक है वैसे वो तो ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू बोला, लेकिन अभी थोड़ा सा रॉन्ग है। ध्यान से देखो क्या गलती हो रही है, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन गलती खुद पकड़ो, बहुत माइनर सी गलती कर रहे हो। और कोई ट्राई करो, मैं जरा देखो चार्ज में मैं बिल्कुल ठीक बोला था, थोड़ा सा गलत बोला बस। देखो देखो एक छोटी सी गलती कर रहे हो। कोई गलती से बस ये तो गलती कर रहे थे। हाँ जी बताओ, नहीं आया किसी को? देखो कितना आसान है, हो गया भाई। आप ऐसे हिसाब लगाओ ना, देखो कोई फॉर्मूला थोड़ी है कोई, इसमें टाइप एक जब मशीन वन पे बनने के लिए जाएगा वहां पे उसको लगेंगे 18 मिनट, ये एक टॉय की बात है। आप कितना टॉयज मैन्युफैक्चर करोगे? X, तो X टॉयज को मशीन वन पे कितना समय लगेगा बनने में? X टॉयज को 18x, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मशीन एक का कंप्लीट टाइम ऐड करो, मशीन वन कितने घंटे यूज हो रही है रोज। अब टाइप बी में आ जाओ, आगे नहीं जाना है, टाइप बी में हो मशीन वन के लिए। टाइप बी के वाई टॉयज बन रहे हैं, 6 मिनट के हिसाब से कितनी देर चलेगी मशीन? 6y। अब मशीन वन आपकी कितने मिनट टोटल रन कर रही है? 18x प्लस 6y मिनट्स रन कर रही है रोज का, और इसको रन करना है मैक्स टू मैक्स 8 घंटे। 8 घंटे से ऊपर नहीं चला सकते आप इसको, तो ये जो टाइम है ये लेस देन होगा या इक्वल टू होगा? 8 घंटे पूरे चला दो चाहे, लेकिन 8 घंटे 8 × 60। बस ये गलती, ये क्लियर हुआ कांस्टेंट कैसे बना? मशीन वन का टाइम हमने प्लस कर लिया। कुछ बच्चे इसको ऐसे प्लस कर देते हैं, कैसे कहते हैं 18x + 6y + 12z, पता नहीं वो z क्या चीज है। ध्यान रखो जो चीज मैन्युफैक्चर होगी ना वो हमेशा xy होगी, मशीन कभी xy नहीं होगी। मशीन तो लगी हुई है, जगह इंस्टॉल हो गई है, उस पर टॉय आगे बनते जा रहे हैं, तो हमेशा आइटम को xy मानना है। वो लिखा हुआ होगा वहां पे भी, इसको x मानो उसको y मानो, ये भी लिखा हुआ होगा। अच्छा अब इसको थोड़ा छोटा करो, हो सकता है ऑप्शन में ना हो। हाँ, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, 6 से कर रहे थे, 6 से कर लेते हैं, तो ये चेंज होके बन जाएगी 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 80। ये आपका फर्स्ट कांस्टेंट है जो मशीन बन के लिए तैयार हुआ है। अब तो फटाफट से देंगे सारे, वैसे तो आएगा 6x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू कितना? वही सेम 8 घंटे यानी 480 मिनट्स, उसको डिवाइड 6 से कर लेना। पर ये वाला बताओ, जब ये वाला बताओ 12x लेस देन इक्वल टू व्हाट? क्योंकि ये 0y है, यानी कि टाइप बी वाला टॉय मशीन 3 पे जाता ही नहीं है बनने, तो आपका कांस्टेंट बनेगा 12x लेस देन इक्वल टू 8 × 60। इसको 12 से डिवाइड कर देना,
तो x less than equals to कितना हो जाएगा 14। अब आपके दो कांस्टेंट और बच गए, वो कहां से है? दो और हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो भी हम चीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे x comma y greater than equal to 0, ये जरूर आता है क्योंकि x y जो भी है वो पॉजिटिव रहता है। बताओ क्लियर? यस सर। बस एलपीजी में इसके अलावा और कुछ है नहीं, इसका क्वेश्चन छूटता भी नहीं है, सब लोग कराते हैं। फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन, फीजिबल रीजन गिवन है, ये सारा फीजिबल रीजन है, कॉर्नर पॉइंट सारे नजर आ रहे हैं आपको, काफी सारे कॉर्नर हैं इसमें, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत तेजी से शुरू करना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं चीज दे रहा हूं, और कोई बताऊं तो मैं बताऊंगा आपसे किस पॉइंट पे। इसमें चार ऑप्शन है, 0, 0, 0, 8, 5, 0, 4, 10, वो कह रहे हैं इन चारों में से बताओ मिनिमम किस पे आ रही है, तो 0, 8 आई एम ऑडिबल नंदिनी सिद्धांत यस सर यस सर अच्छा जी बताओ ये वाला सही में आया, ये क्लियर हो गया? एलपीपी में यही दो तीन टाइप के क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले, सारे सैंपल पर देख लिए मैंने, ओ स्मॉल केवीएस बैंगलोर तो सब में ऐसे ही है, या तो आपके पास ऐसे रीजन आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट दिए होंगे बस उठा के पुट करते जाना मैक्सिमम मिनिमम, या कॉन्स्टेंट रेडी करने के लिए बोलेंगे दूसरा क्वेश्चन, या फिर कॉन्स्टेंट रेडी करने हैं एक तो वर्ड प्रॉब्लम से जैसे अभी आपने किया, या कॉन्स्टेंट रेडी करने हैं किससे, फीजिबल रीजन को देख कर रेडी करने हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, एक और तो हम लोग ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन को, और अभी एक दो क्लास और कर लेते हैं फिर इंटीग्रेशन को स्टॉप करेंगे और रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 15 नंबर के आसपास डेट आ जाएगी,
मतलब लास्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। सब स्कूल में एक साथ ही होंगे इसके टर्म वन। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को ना हल्के में मत लो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में दो ही चीजें हैं, जीरो या वन मार्क्स। सब्जेक्टिव में क्या होता है, थोड़ा बहुत लिख दिया, चलो आंसर नहीं आता, थोड़ा बहुत लिख दिया, मार्क्स देते हैं टीचर। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो स्कैनर में जाएगी आपकी शीट और स्कैन होकर निकल गई, वो तो किसने क्या किया कुछ थोड़ी है, ज्यादा खतरनाक है। प्री बोर्ड के नाम पे आपके वो होंगे, यही प्रैक्टिस टेस्ट होंगे एमसीक्यू। प्री बोर्ड रिटर्न कुछ नहीं होगा, सब एमसीक्यू होगा। स्कूल में आपके वो लग गया है, स्कैनर लग गया है, वो स्कैन होगी शीट, रिजल्ट विद इन 5 मिनट्स। एक मुझे आप बस वो रेडी करके दे दो, कॉन्स्टेंस रेडी करके दे दो एक, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 5760 रुपए हैं, एंड हैज स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 20 आइटम्स। उसका जो गोडाउन है, जो उसकी दुकान है, कुछ भी मान लो, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप आगे लिखो, मैं तो आपको शॉर्टकट करके बोल रहा हूं क्वेश्चन। वो क्या परचेज करेगा ये लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्टिंग ₹360। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्टिंग ₹360 एंड मैनुअल स्विंग मशीन कॉस्टिंग ₹240। वो क्या परचेज करेगा, दो तरह की स्विंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक मैनुअल। मैंने आपको दोनों की कॉस्ट दे दी है, मैनुअल की नहीं बोली मैंने, ₹240। मैनुअल कॉस्ट, मैनुअल स्विंग मशीन कॉस्टिंग ₹240। अब आपको ये अज्यूम करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन वो एक्स परचेज करेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो लिख लो इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन भी एक्स और मैनुअल स्विंग मशीन भी वाई। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन वो एक्स मान के चल रहा है, मैनुअल को वाई मान के चल रहा है। आप मुझे इसके कॉन्स्टेंट्स बता दो, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, चलो एक मान लेते हैं, क्या ठीक है, 360 एक्स प्लस 240 वाई। मेरे स्पेस एक्शन हो जाना भाई ना, मेरी लैंग्वेज भी जाना, मैं तो पूछ रहा हूं क्या ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कुछ है ही नहीं, देखो मेरे कराने लिए कुछ ही नहीं है, मैंने आपको एक ना इसकी गाइडेंस दे दी है कि भाई ऐसे एलपीपी होती है, दैट्स ऑल, एलपीपी खुद हो जाती है। बिल्कुल ठीक बताइए आपने दोनों कॉन्स्टेंट। भाई देखो उसके पास जो स्पेस है वहां 20 आइटम स्टोर कर सकता है, तो उसके ऊपर परचेज नहीं करेगा वरना रखेगा कहाँ, तो आइटम होगा कुल मिला के एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। पूरे 20 परचेज कर ले, आराम से आ जाएंगे वहां पे स्पेस में, या 20 से कम परचेज कर ले, कॉन्स्टेंट नंबर 1, 2 कुछ भी बोल दो इसको। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट उसकी इन्वेस्टमेंट का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन एक खरीदेगा आएगी ₹360 की, एक्स खरीदेगा तो कितने की आएंगी, और ऐसे ही मैनुअल वाली स्विंग मशीन है 240 की एक है, वाई खरीदेगा इतना पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके पास रकम पड़ी है ₹5760, इसके ऊपर खर्च ही नहीं कर सकता, या तो पूरे उड़वा लो उससे या उससे कम करवाएंगे। ऐसे कॉन्स्टेंट कभी भी आपको आंसर के ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, क्या करते हैं मालूम, ये लोग इसको छोटा कर देते हैं, यस, इसको 120 से डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा छोटे मिलेंगे,
120 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2y, और ये कितना आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा 120 से, हो गया वो भी 100% है, वो आपका नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है, ये दूसरा मान लो आप, और तीसरा फिर आपका ये हो गया x कॉमा y ग्रेटर देन, ये तो देखो बनेगा ही बनेगा, जो भी आइटम होती है परचेज होती है मैन्युफैक्चर होती है कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो जीरो होंगी या जीरो से ज्यादा होंगी, डेसिमल में भी नहीं होती ये चीजें, तो क्लियर है जी, बताओ। तो मेरे पास ना दो बुक पड़ी है पीडीएफ फॉर्म में है, मैं दोनों बुक आपको डाल देता हूँ, आप एक बार ना एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे मैं खोल के देख रहा हूँ, आप खोल के रीड कर लो उसमें से, हो गया बस एलपी थी, ठीक है जी। मैं आपको आज ना दोनों बुक दे दूंगा बच्चों, इधर ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप एक बार एलपीपी के क्वेश्चन एक बार नजर मार लेना उसमें। तो परसों इंटीग्रेशन कर रहे हैं और फ्राइडे भी इंटीग्रेशन करेंगे, और बस इंटीग्रेशन बंद करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन कराऊंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस से। ऑलराइट।